हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो हमेशा ओवन में ही बनती है, लेकिन आज हम आपको तवे में बना के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद दो टमाटर, दो शिमला मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, ऑलिव ऑयल, हींग, मिर्ची पाउडर, चिली सॉस, बटर, जीरा और पनीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। एक कढ़ाई ले लेना है, गैस ऑन करके कढ़ाई को गरम कर। जब हमारी कढ़ाई गरम हो जाए फिर उसके बाद हमें इसमें ऑयल डाल देना है। जब तेल हमारा गरम हो जाए फिर उसके बाद हमें इसमें हींग डाल देना है और हींग को मिक्स कर ले तेल में। फिर उसके बाद हमें इसमें जीरा डाल देना है। फिर उसके बाद हमें इसमें शिमला मिर्ची डालना है। हमें इसे 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट के बाद जब हमारा शिमला मिर्ची पक जाए फिर उसके बाद हमें इसमें टमाटर डाल देना है। पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालना है हमें और इसे भी मिक्स कर ले अच्छे से। तो इसके बाद हमें इसे मिर्ची पाउडर डालना है। उसके बाद हमें इसमें चिली सॉस डालना है। गैस का फ्लेम हमारा धीमे आंच पे ही रहेगा और मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा रहेगा स्वाद अनुसार नमक। इसे पकने के लिए हमें छोड़ देना है। हमारा जो वेजिटेबल्स है सारे वो पक गए होंगे अभी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में बहुत यम्मी लग रहा है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें एक तवा ले लेना है। जब हमारा तवा गर्म हो जाए फिर उसके बाद हमें इसमें बटर डाल देना है और मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। ये ऑप्शन है ना, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हमें इसमें पिज़्ज़ा ब्रेड को डालना है। गैस का फ्लेम हमारा धीमे आंच पे ही रहेगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर चीज डाल देना है। फिर उसके बाद हमें इसमें सॉस डाल देना है। हर जगह सॉस को मिला लेना है। जब हम सॉस को पूरा मिला लें फिर उसके बाद जो हमने भाजी जैसे बनाए थे उसके ऊपर डाल देना है। जब हम ऊपर से सारे भाजी डाल दें फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर चीज को डालना है। हमारा जो पिज्जा ब्रेड है उसको पकाने के लिए 1 मिनट। हमारा जो पिज्जा है बनके रेडी हो गया है। अभी मैं इसे सर्व कर लूंगी। हमारी घर की बनी हुई और तावा पे बनाई हुई पिज्जा बनके रेडी हो गई और कितनी यम्मी दिख रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये पिज्जा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको और भी यम्मी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।